सामने आ रही है मुजफ्फरपुर शहर से, जहां एसकेएमसीएच के पास यह सड़क हादसा हुआ है। बताया जाता है कि इस एक्सीडेंट की घटना में एक लोगों की जान चली गई है। आइए देखिए कि कैसे क्या कुछ हुआ। देखिए अभी एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, जिसमें बाइक पे सवार एक फैमिली के साथ एक छोटा बच्चा था, जिनकी एक्सीडेंट में जिनका जिनकी बच्चे की जान चली गई है। बच्चा काफ़ी छोटा, 3-4 वर्ष का था, और उनका कहना है कि एक सरकारी गाड़ी जो चला रहे थे उससे एक्सीडेंट होने की वजह से बाइक में चोट लगी और उससे बच्चा गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई है। हम लोग अभी जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए जो लाश है उनको भेज दिया गया है, और मुआवजा प्रस्ताव के लिए भी हम लोग आगे जो भी प्रोसेस है उसको रोल आउट कर दिए हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि जो भी हम कॉम्पनसेशन देंगे वो इस जो लॉस है उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता है, बट तब भी अभी के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। और बस को क्षतिग्रस्त किया गया है, जो कि गलत है। सरकारी संपत्ति को इन्होंने यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की थी पब्लिक ने, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है, और ड्राइवर जो है वो सुरक्षित है अभी, और इनके विरुद्ध FIR की जाएगी और जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। ड्राइवर को डिटेन किया गया है। अभी थोड़ी सी क्राउड जमा हो गई थी, इसलिए ड्राइवर को अब हम थाना लेके जाएंगे और आगे की प्रक्रिया करेंगे। जी बच्चे के पिता का नाम कुर्बान अली। क्या नाम है? कुर्बान अली। बच्चे का कुर्बान अली बच्चे का नाम, बच्चे के अब्बू का नाम, बच्चे के पिता का नाम कुर्बान अली है। और भी लोग घायल हैं? एक मांग है यहाँ पे, नहीं उनके फादर को थोड़ी सी इंजरी है, लेकिन अभी वो सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है। बच्चे को बस चोट लगी थी, बाकी इन लोगों का मांग है कि जो गैदरिंग वाले इलाके में बस का प्रवेश परिचालन को रोक लगाया जाए, उसको लेकर क्या DM से बात करेंगे? जी बिल्कुल, इस चीज़ को सीनियर लेवल पे भी रेज किया जाएगा, और हम लोग यहाँ की समस्या समझ रहे हैं। रोड में कंजेशन है, कभी कभी जो वाहन चालक होते हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, और इसी चीज़ के लिए हम लोग कंटिन्यूसली पिछले 2 हफ्ते से ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें निरंतर चेकिंग की जा रही है, वाहन का फाइन कट रहा है, जो भी वायलेशंस हो रहे हैं ट्रैफिक के उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और जो भी इस तरह की बसेस चल रही हैं जिनका पेपर्स नहीं ठीक है, या जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ये हम लोग डेफिनेटली इस पे कार्रवाई करेंगे और इसको चेकिंग करेंगे।